हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फिजिक्ञान मैं हूँ शेदांकी और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ थर्ड चैप्टर यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी सीबीएसई के सिलेबस के सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे जिनको मैंने सेवरल ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर्स आज uh, करने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का या कह सकते हो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे हम डेफिनेशन फॉमूला देन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सॉलिड कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर में चार्ज कैसे फ्लो करती है या करंट कैसे बिल्ड करता है ओम्स लॉ क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होते हैं रेसिसटेंस किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे वी आई के क्या है तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हमें आज की क्लास में ही कवर करनी है तो बहुत खास होने वाली आज की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करोगे आप और शुरू से लेकर अंत तक लेक्चर देखोगे ठीक है ना चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विथ इलेक्ट्रिक करेंट अच्छा बिफोर स्टार्टिंग टूडेज़ क्लास ना आज मेरा मन करा तुमसे बात करने का दो से तीन मिनट का मैं समय लूँगी ज़्यादा नहीं जो बच्चे मेरे लेक्चर्स फॉलो करते हैं जिन्होंने मेरी लेक्चर कभी देखी है मुझे जज करने के लिए नहीं ये देखने के लिए नहीं कि मैम कैसा पढ़ा रही हैं वाकई तुम्हें कोई डाउट आई हो और तब तुमने मेरी लेक्चर देखी हो तो आई एम श्योर तुम्हारी डाउट क्लियर हुई होगी साथ ही तुम्हें एक बात समझ आ गया होगा कि मैम ऊपर ऊपर से चीज़ें नहीं पढ़ाती फॉर्मेलिटी नहीं करती कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं बिल्कुल अच्छे से है ना वजह क्या है बच्चों के मेरे दिमाग में एक बात हमेशा चलती है कि जो बच्चे आज ट्वेल्थ में हैं वो कल होके मैक्सिमम बच्चे उनमें से नीट में बैठेंगे या जेई का एग्ज़ाम देंगे तो सिलेबस का जो पार्ट कॉमन है जो पार्ट जो पार्ट सिलेबस का कॉमन है वो उसको अलग से उनको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े है ना बच्चों को एक ना वो हो जाता है कि भाई ट्वेल्थ की ट्यूशन अलग से लगा के रखिए जे के लिए कोचिंग में पढ़ रहे हैं ऐसा क्यों करते हो आप हाँ एक टॉपिक अगर है तुम सोचो एक टॉपिक से अगर क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आ रहा है उसी टॉपिक से क्वेश्चन तुम्हारे जेई में आ रहा है तो क्वेश्चन का लेवल अलग हो सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी बदल जाएगा बच्चों तो ये तुम्हारा दिमाग नहीं जो मेमोरी है उसकी जो उसमें अलग अलग खांचा क्यों बना कर रखे हो ट्वेल्थ का अलग है नीट का अलग है जेई का अलग है ऐसा क्यों किया तुमने ऐसा नहीं करो बिल्कुल खुद को ओवरबर्डन मत करो आप मेरी कोशिश यही रहती है कि जो तुम्हारा कॉमन पार्ट है जो कॉमन सिलेबस है उसको मैं अच्छे से तुम्हारा क्लियर करूँ ताकि तुम पढ़ते वक्त ना जब तुम जेई के लिए पढ़ रहे हो तुम्हें तो ये लग रहा है कि नहीं ये हम पढ़ चुके हैं ऐसा कुछ कुछ नया नहीं लगे कि जेई के लिए बिल्कुल शुरू से तुम शुरू करो चीज़ों को समझ रहे हो अब जो ट्वेल्थ के बच्चे स्ट्रिक्टली जो ट्वेल्थ में है और वो आगे चल के जेई या नीट में नहीं बैठना है वो ये मत समझना कि मैं कुछ भी तुम्हें अलग पढ़ाती हूँ तुम्हारे सिलेबस स्ट्रिक्टली मैं सिलेबस ही फॉलो करती हूँ लेकिन जो भी टॉपिक उसको मैं अच्छे से तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ और रही बात तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम की तो बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न या बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी देखे या अपनी खुद की एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बच्चों की ऐसा नहीं है कि तुम फॉर्मूला रटने से तुमको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे पास कर जाओगे नो डाउट बट फॉर्मूला रटना सफिशेंट नहीं है बिना कॉन्सेप्ट के तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते इनफैक्ट जो तुम्हारे अभी अपकमिंग एग्जाम तुम्हारी जो दिसंबर में दिसंबर में होने वाली है फर्स्ट um, टर्म की सीबीएसई ने जो तुम्हारी एस क्यू रिलीज़ की है उस क्वेश्चन को भी देख के तुम्हें तो समझ आ गया होगा बिना कॉन्सेप्ट के वो आप नहीं कर सकते है ना तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में होती हैं तो बिल्कुल भी अपने कॉन्सेप्ट को तगड़ा रखना है हमें प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन अगर ईजी क्वेश्चन आता है तो कहना ही क्या और अगर टफ आता सो कॉल टफ क्वेश्चन आता है तो उसके लिए तुम तैयारी कर ही रहे है ना और जिन बच्चों को लग रहा है कि वन मंथ बचा है अब क्या होगा तो बच्चों वन मंथ मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा टाइम है लेकिन कम टाइम भी नहीं है तुम देखो सिलेबस अगर तुम देखो तो आधा सिलेबस है तुम्हारा बस है ना तो बहुत कम टाइम नहीं है स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी और स्ट्रेटेजी के लिए अलग से तुमको वीडियोस देखने में टाइम मत स्पेंड करो क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजी होती है, है ना और बच्चा हर बच्चा यूनिक होता है तो हर बच्चे के लिए एक स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई हो सकती है बताओ ना एक कोई बच्चा है जो अर्ली मॉर्निंग उठ रहा है कोई बच्चा है जो आ, लेट नाइट स्टडी करता है कुछ बच्चे को एक बार में चीज़ें समझ आती है कुछ बच्चे को बार बार देखना पड़ता है तो अगर हर बच्चा खुद में यूनिक है तो उनके लिए स्ट्रैटेजी एक जैसी नहीं हो सकती ना है ना बच्चों तो खैर कोई बात नहीं जहाँ तक मेरी लेक्चर की बात है तो मेरी लेक्चर डेली तो नहीं आती एक घंटे की होती है ऑलमोस्ट तो जब तुम लेक्चर देख रहे होते हो तो कोशिश करो 1.5x एक्स की स्पीड पे या 2x एक्स की स्पीड पे देखो क्योंकि मैं काफ़ी स्लो बोलती हूँ मुझे पता है तो उससे तुम्हारा काफ़ी टाइम भी सेव होगा और जब पढ़ रहे होते हो तो कॉपी सामने रखो तुम्हारे अगर नोट्स बने हुए हैं पहले से तुमने पहले से नोट्स बना रखे चाहे तुम्हारे स्कूल की नोट्स हैं तो उस पर ही तुम ओवर कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कहीं भी मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ तो वहाँ पर तुम ऐड कर लो पॉइंट है ना या कुछ एक्स्ट्रा बोल रही हूँ तो वो पॉइंट वहाँ ऐड कर लो अलग से बिल्कुल एलेबोरेट नोट्स अलग से फिर से बनाने की जरूरत नहीं मैं अभी उन बच्चों से बात कर रही हूँ जो बच्चे भी ट्वेंटी में दिसंबर का एग्ज़ाम देने वाले हैं फ़र्स्ट टर्म का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बिल्कुल बिल्कुल वो डिटेल्ड वाले नोट्स बनाओ तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ ठीक है और पढ़ाई करो बिल्कुल कूल cool माइंड से ठीक है ना और मेरे लेक्चर्स की बात ज़्यादा था कि मैं कोशिश करूँगी तुम्हारी सिलेबस कम्प्लीट कर दो तुम्हारे एग्जाम से पहले ये सारे जो तो डिटेल्ड मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ आ रहे हैं ना अगर ये नहीं भी हो पाता है इनकेस वैसे कोशिश मेरी पूरी रहेगी अगर नहीं हो पाता है ना तो मैं बीच में ही शॉर्ट तुम्हारी वन शॉर्ट वीडियो शुरू कर दूँगी जिन बच्चों को मेरी डिटेल जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ क्लास नोट्स वाली अगर पीडीएफ चाहिए ना तो मुझे मैसेज कर देना मैं वो अवेलेबल आपको करा ठीक है तो विद दिस नोट चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास इलेक्ट्रिक करंट है अब पहले बता कि इलेक्ट्रिक करंट हम ये अलग यूनिट क्यों है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहली यूनिट हमने पढ़ी दो चैप्टर था उसमें अभी हमें क्या पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद करो चार्ज हमेशा कैसा था रेस्ट पे था चार्ज At rest. ये कहा पढ़ा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में है ना अच्छा चार्ज मूव करना शुरू कर देता है यानी चार्ज जब मोशन में होता है ना तो ये क्या बनाता है क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट तो इसे हम कहा पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब समझ में आया क्यों ये अलग अलग यूनिट है

या तो स्मॉल आई सिंपल तरीके से आप क्या कह सकते ठीक है ना तो यहां से तुम्हें समझ आ रहा है कि इसकी यूनिट क्या होगी कुलम पर सेकेंड कुलम पर सेकेंड लेकिन ऐसा यूनिट जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है दैट इज ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी पता है ना एम्पेयर क्या होती है एमपियर जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम्पियर अब एम्पियर की आपको आप डेफिनेशन पढ़ोगे फोर्थ चैप्टर में कहा पढ़ोगे फोर्थ चैप्टर में इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दाई टू वायर जिससे करेंट फ्लो करेगी दो वायर में करंट फ्लो करती है ना तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है जिसकी वजह से दोनों वायर एक दूसरे को या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो जब वन एम्पेयर की करंट दो वायर से फ्लो करती है या तो सेम डायरेक्शन में या तो ऑपोज़िट डायरेक्शन में तो आम, और एक मीटर की सेपरेशन पे रहती है तो जितनी फोर्स लगाती है ना उसके उसके रेस्पेक्ट में हम एम्पियर को डिफाइन करते हैं तो ये हम फोर्थ चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ेंगे याद रखना ठीक है ना चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है तो या तो ये हो हो सकती सकती है है या तो वेक्टर हो सकती है। और कुछ हो सकता है क्या hmm? और कुछ हो सकता है जो देखते हैं स्कलर क्वांटिटी चेक करते हैं कि क्या ये स्कलर क्वांटिटी है अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की क्या डायरेक्शन मैटर करती है सोचो कि मेरे पास अगर तीन वायर है जिसको मैंने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से इन दोनों वायर से सपोज टू एमपीयर की करंट आ रही है इससे थ्री एमपेयर की करंट आ रही है तो इस वायर से बताओ कितने कर, कितने एमपेयर की करंट निकलेगी भाई जंक्शन की करंट जंक्शन के टुवर्ड्स आ रही है थ्री एमपेयर के करंट जंक्शन के टुवर्ड्स आ रही है या कह सकते हो टू एमपीयर का मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में दो कुलम की चार्ज एक सेकंड में तीन कुलम की चार्ज तो एक सेकंड में कितनी चार्ज निकलेगी बाहर क्या फाइव एम पीअ फाइव कुलम की चार्ज निकलेगी चार्ज एक्यूमुलेट तो नहीं हो सकता ना जंक्शन में भाई तुम सोचो ना थ्री पाइप लाइन है जितनी पानी जितनी वाटर इनफ्लो करेगी उतनी वाटर ही आउटफ्लो करेगी ना बीच में पानी कहीं रिजर्व नहीं है तीन पाइप लाइन लगे तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होता है ठीक है अच्छा अगर मैं क्या करूं किसी इन में से किसी एक वायर मान लो इस वायर से मैं क्या करूं इस टू एम्पियर की डायरेक्शन को बदल दू मतलब आउटफ्लो कर दो अभी तो क्या होगा क्या अब अभी भी क्या इस वाले थर्ड वाले वायर में फाइव एमपेयर की करंट रहेगी क्या अब इससे सोचो तो करंट थ्री एमपेयर आ रही है इसमें से दो एमपेयर निकल गई तो क्या अब इससे वन एमपेयर ही बचा निकलने के लिए क्या करंट के डायरेक्शन को बदल देने से क्या जो तुम्हारी नेट करेंट थी उस, उसके वैल्यू में अफेक्ट आ गया उसके वैल्यू में फर्क आ गया इसका मतलब ये है ना इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर कर रहा है इस केस में डायरेक्शन अगर डायरेक्शन मैटर कर रहा है बच्चे तो क्या ये स्केलर क्वांटिटी है बिल्कुल नहीं स्केलर में तो डायरेक्शन मैटर ही नहीं करता है ना सेकेंड चेक कर लेते हैं क्या ये वैक्टर क्वान्टिटी है अगर डायरेक्शन मैटर करता तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए तो देख लेते हैं अब वेक्टर का मतलब होता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है ये टू एम्पियर थ्री एम्पियर अगर वेक्टर है तो इनके बीच में एंगल क्या है इस पे वैल्यू डिपेंड करनी चाहिए है ना तो अगर सोचो इस वायर को मैं थोड़ा स्ट्रेच कर लू मान लो ऐसी कुछ वायर बना लू ये तो मेरी टू एमपीयर की करंट है जो आ रही है जंक्शन के टूवर्ड्स और ये थ्री एमपियर की करंट है जो जंक्शन के टूवर्ड आ रही है अभी इनके बीच में एंगल कितने का पाई का है और ये थर्ड वायर जैसे करंट फाइव कितनी जाएगी अभी बताओ क्या अभी कुछ वैल्यू बदल जाएगी इससे सोचो क्या अभी भी अभी भी क्या इससे फाइव एमपीयर की करंट जाने वाली है लेकिन वेक्टर लॉ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो ये नहीं कहता वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि डायरेक्शन तुम्हारे वेक्टर की क्या वेक्ट, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितनी है इस पे डिपेंड करता है तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता तुम वायर को घुमा लो किसी भी डायरेक्शन में है ना तो यानी कि ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं कर रही लिख लो डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन है ना तो क्या समझ में आया कि ये वेक्टर भी नहीं है इसका मतलब ये कोई तीसरी क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी क्या बोलते हैं बच्चे टेंसर क्वांटिटी तो क्या क्या बात हमें समझ में आई अभी तक हम्म एक सेकेंड क्या समझे हम कि इलेक्ट्रिक uh, करंट की जो यूनिट uh, होती है क्या होती है एम्पियर टेंसर क्वांटिटी है ये अच्छा नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक करेंट डायरेक्शन मैटर करता है ना तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी होती है ये देख लेते हैं तो लिख लो डायरेक्शन डायरेक्शन जो हमने किया हुआ है है दिस डायरेक्शन ना जो हम शुरू से मानते आ रहे हैं डायरेक्शन क्या होती है इसकी अलोंग अलोंग दी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या कह सकते हो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट ठीक है सारी बेसिक बातें हो गई ना अच्छा इलेक्ट्रिक करेंट को दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं एक तो एवरेज वैल्यू दूसरी होती है इंस्टेंटेन्यूस वैल्यू जैसे कि वेलॉसिटी को भी तुम दो तरीके से डिफाइन करते थे ना ठीक है तो चलिए लिख लीजिए पहली है एवरेज करेंट एवरेज करेंट क्या है ये देख लेते हैं देखो मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है और इसकी ही मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया ये ली ये क्रॉस सेक्शन एरिया लिया इससे सेवरल चार्ज पास कर रही है ठीक है हमने क्या किया टी टाइम पे देखा कितनी चार्ज पास की मतलब बेसिकली टी से टी प्लस डेल्टा टी टाइम तक देखो कितनी चार्ज फ्लो कर रही है अगर मान लो अगर मान लो डेल्टा q इज द नेट चार्ज नेट चार्ज फ्लोन इन डेल्टा टी टाइम तो यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट होती है क्या होती है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी ठीक है ये बिल्कुल एवरेज वेलोसिटी की तरह है तो नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय तो यहाँ पे एवरेज करेंट का मतलब होता है ना कि वी आर टॉकिंग अबाउट हम किसकी बात कर रहे हैं टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं है. यहाँ पे किसकी बात हो रही है टाइम इंटरवल की जब कभी भी टाइम इंटरवल के बेनो या दो टाइम के हो दो टाइम के बीच एक टाइम का स्पैन हो समझ रहे हो तो हम वहां पे किसकी बात कर रहे हैं एवरेज करेंट की बात कर रहे हैं ठीक है।, है अच्छा व्हाट अबाउट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करेंट इंस्टेंटेनियस करेंट में ना हम किसी एक टाइम की बात करते हैं नहीं कर सकते हैं डेफिनेशन देख लो हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारा बस फॉर्मूला काफी है डिफाइन ऐसे कर लेते हैं कि बिकॉज किसी एक टाइम की बात हम नहीं कर सकते तुम क्या करते हो तो टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर लेते हैं कि वो किसी एक टाइम पे ही आ जाए हम क्या देख कर लेते हैं इस जो तुम्हारी टाइम इंटरवल है ना डेल्टा टे की

समझा दो आपको दिस इज वॉट आई एवरेज इक्वल डेल्टा क्यू का मतलब हो गया फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ऐसे भी इसको लिख सकते हो है ना बेसिकली डेल्टा क्यू इज द नेट चार्ज फ्लोन इन डेल्टा डिटाइड ये ऐसा मैं क्यू लिख रही हूँ आपको अभी समझ आएगा मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाऊंगी तो ये बात आप ध्यान में रखो ठीक है बच्चों चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम जिसमें कि किसी कंडक्टर में ना Um, क्या दे रखा है करंट की करंट की क्वेश्चन दे रखी है ये दे रखा है कि किसी भी इंस्टेंट uh, पे जो करंट है यानी करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये क्या है सिक्स टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टू ले लो ठीक है ये गिवन है तो आपको बताना है फाइन नेट चार्ज फ्लोन बिटवीन बिटवीन टी इक्वल जीरो सेकेंड टू टी इक्वल वन सेकेंड तुमको एक जीरो सेकेंड से एक सेकेंड के बीच में क्या बताना है कितनी चार्ज फ्लो हुई है अब चार्ज का तो कोई फार्मूला बताया नहीं मैंने यहाँ पे कैसे होगा लेकिन इंस्टेंटेनियस करेंट का तो फार्मूला बताया है ना और इस क्वेश्चन में ये टाइम के फंक्शन है मतलब कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू करेंट की मतलब किसी भी टाइम पे तुमको करेंट अगर निकालना हो तो तुम वो टाइम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करके तुम करेंट निकाल सकते हो तो ये क्या है इंस्टेंटेनियस करेंट का करंट की इक्वेशन है तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं हमें क्या पता है कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या DQ by DT. ये होती है तो फर्दर क्या लिख सकते हैं हम इसे डी क्यू इक्वल्स आई डी टी की इंटीग्रेशन लिख सकते हैं क्या आई मीन इंटीग्रेट कर दो आई डी टी डी क्यू ये क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी ये नेट चार्ज हो जाएगी क्या डी hmm? क्यू की इंटीग्रेशन क्या डेल्टा क्यू नहीं हो गई नेट चार्ज हो गया और ईडी टी की इंटीग्रेशन आई को पुट कर दो तो क्या है दे रखा है इनिशियल जीरो और फाइनल वन सेकेंड इक्वल सिक्स टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन uh, क्या हो जाती है सिक्स टी क्यूब बाई थ्री प्लस सिक्स टी स्क्वायर बाई टू माइनस टू टी कुछ गलत है क्या जीरो से वन पुट करो थ्री टू थ्री सही है ना ठीक है ठीक है तो यहां से तुम्हारी जो नेट चार्ज है वो क्या चली आती है पहले वन पुट कीजिए टू प्लस थ्री माइनस टू एंड माइनस जीरो तो ये आ जाता है तुम्हारा कुछ गलत किया है क्या है मैंने अच्छा टू है ना पे, सौरी, सौरी, सौरी। यहाँ पे सॉरी 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 पे यहा टू है ये कोई बात नहीं कोई बात नहीं ये है तुम्हारा ये टू, है, तो ये क्या जाता है? टू टी टू, तो टू, टू कैंसिल हो गया तो ये आ जाता है तुम्हारा सिंपली वन तो आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है वन खुलम तो दिस इज योर आंसर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें यहाँ पे ना चार्ज की इक्वेशन दे रखिये मतलब चार्ज की चार्ज चार्ज एस ए फोर टी प्लस वन दिस गिवन एंड फाइंड करंट एट टी इक्वल्स वन सेकेंड तुमको इस अब देखो यहाँ पे एट जैसे तुमने देखा एट देखने के साथ समझ जाओ यहाँ पे तुमसे इंस्टेंटेनियस करंट की बात हो रही है तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस करेंट का फॉर्मुला आई इक्वल्स वो डी क्यू बाई डी टी दिस थिंग वी नो तो एक बार ही बस इसको डिफ्रेंशिएट ही तो करना ईजी है थ्री टी स्क्वायर का क्या हो गया टू टी प्लस फोर बस हो गया ना वन पे पुट कर दो करंट की वैल्यू टी इक्वल्स वन सेकेंड पे लाना है ना हमें तो क्या हो गया सिक्स प्लस फोर दैट इज टेन एम्पियर तो ये तुम्हारी करंट आ गई किस इंस्टेंट पे पे ठीक है ना अच्छा सेकेंड क्वेश्चन ले लो सेम क्वेश्चन है यही इसमें हम क्या करते हैं ना टाइम इंटरवल ले लेते हैं सेम क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही यहाँ पे फिर से तुम्हारी क्यू क्या है थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस वन देन फाइंड करेंट इन फर्स्ट वन वन तो तो टाइम इंटरवल देता या फर्स्ट तो का मतलब क्या हुआ ना पहली एक सेकेंड में मतलब जीरो से वन सेकेंड यहाँ पे इंटरवल क्या है जीरो टू वन सेकेंड है ना इसका मतलब क्या हो गया गिवन है टी बिटवीन जीरो टू वन सेकेंड ठीक है तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें एवरेज वैल्यू की बात हो रही है तो इस बात का ख्याल रखना बच्चों कि जब एट हो टाइम के साथ जब एट लगा हो मतलब वहां इंस्टेंटेनियस करेंट की बात हो रही है और जब टाइम इंटरवल दिया हो समाव तो समझना एवरेज करेंट की बात हो रही है तो एवरेज करेंट का फॉर्मूला हमें क्या पता है डेल्टा Q बाई डेल्टा T डेल्टा Q का मतलब क्या हो गया Q फाइनल माइनस क्यू इनिशियल टाइम इंटरवल क्या गिवन है यहाँ पे वन सेकेंड का है ना Q फाइनल का मतलब क्या हो गया Q एट Q एट बताओ वन और Q इनिशियल का मतलब Q एट जीरो बाई वन ईजी है भाई यहाँ पे क्यू की इक्वेशन तो दे ही रखी है टाइम की वैल्यू पुट करो एक बार वन एक बार जीरो थ्री प्लस फोर प्लस वन और जब जीरो पुट करते हो तो क्या आता है ये plus plus one, और जब करते हो, तो क्या आ गया ये सेवन एम्पियर तो ये तुम्हारा आंसर आता है यहाँ पे ठीक है आई होप कि इजी था क्वेश्चन सारा है ना तो करेंट पे और कुछ क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ सकता अब ठीक है इससे इतनी बात आप समझ गए तो आगे के चीज आगे के क्वेश्चन आप कर लोगे जितने भी आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर मतलब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट बनता कैसे पहली बात तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट होना ही क्यों चाहिए क्या हम जानते हैं कि कंडक्टर में फ्री चार्ज होते हैं जो मूव कर सकते हैं ये हमको पता है कंडक्टर में फ्री चार्ज होते हैं जो मूव कर सकते हैं ठीक है और हम क्या जानते हैं कि करंट uh, कैसे बनते हैं चार्ज के मूव करने से बनते हैं इसका मतलब तो ये है ना कि कंडक्टर में करंट बनेगा इतनी बात तो समझ आ रही है और क्या हम ये जानते हैं कि किसी रूम टेम्परेचर पर अगर करंट कंडक्टर रखा हो तो वहां पे उन फ्री चार्ज में थर्मल एनर्जी की वजह से चार्ज में रैंडम मोशन होती है ये थर्मल एनर्जी की वजह से मूव करते रहते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक uh, करंट वहां बना हुआ है क्या हम कह सकते हैं ऐसा हम्म अगर मेरे पास समझो एक कंडक्टर है ये कंडक्टर है मेरे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है रेंडम मोशन हो रही है समझ रेंडम मोशन का मतलब हुआ मूव किया फिर ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 मूव करते 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 कोई पाथ इसकी डिफाइन नहीं है तो क्या अभी भी कह सकते हैं करंट बन रही है देखो करंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं कि किसी क्रॉस सेक्शन से एक डायरेक्शन में जितनी चार्ज फ्लो करती है एक सेकेंड में नेट चार्ज की फ्लो एक सेकेंड में है करंट अगर मैं यहाँ पे इस इस जगह पे अगर मैं एक क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया ले लू इमेजिनरी और अगर मैं यहाँ पे भी एक चार्ज तो होगी नहीं बहुत सारी चार्ज होगी तो जितनी चार्ज की फ्लो इस लेफ्ट टू राइट होगी ना लगभग उतनी चार्ज की फ्लो ही राइट टू लेफ्ट होगी क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी रेंडम मोशन कर रहे हैं और ये कब होगा जब तुमने कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया मतलब कंडक्टर को कहीं से कुछ मतलब कंडक्टर की जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एमलेस है वो मूव करे वो बहुत परेशान है मूव करे उन, उनके पास अभी कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का तो ये कंडीशन कब होती है इन एबसेंस ऑफ एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होता है तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के एबसेंस में एक सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड के एबसेंस में क्या होता है चार्ज थर्मल एनर्जी देर इज नो फिक्स डायरेक्शन अगर फिक्स डायरेक्शन नहीं है थर्मल एनर्जी की वजह से यह रेंडमली मूव कर रही है तो आप कह सकते हो एवरेज विलोसिटी इक्वल जीरो तो यहाँ पे कोई भी करेंट नहीं बनता समझ गए यहाँ पे कोई भी करंट नहीं बनेगा कब नहीं बनेगा इन ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखो क्या किया मैंने अब मैंने क्या किया इनको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोवाइड करते हैं हम क्या करते हैं कंडक्टर है और कंडक्टर को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया कंडक्टर को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया अब क्या होगा देखो इस बैटरी की वजह से मान लो वी वोल्ट की बैटरी है वी वोल्टेज की बैटरी है तो इस वी वोल्टेज की बैटरी की वजह से इस कंडक्टर के दोनों एंड पे ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगी इधर वी की इधर जीरो की करेगी ना क्योंकि जो कनेक्टिंग वायर होता है ना इनको हम मानते हैं इनकी ना रेजिस्टेंस हम जीरो मानते हैं कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को हम जीरो मान के चलते हैं तो जितनी वोल्टेज यहाँ उतनी वोल्टेज यहाँ पे अपेयर अपे अपे होगी जितनी वोल्टेज यहाँ वोल्टेज यहाँ पे अपेयर बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज डिफरेंस क्या हमें पता है कि जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है कैसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तो में ये बेसिक सी बात है तो हमें पता है ना कि ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई हायर टू लोअर लेफ्ट टू राइट इस जगह पे अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था जो बिल्कुल एमलेस घूम रहा था इधर उधर मूव कर रहा था फाइनली अपनी पोजीशन पे आ रहा था है ना एक दूसरे से टकरा रहा था अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसे बात मिल गया अब ये क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में मूव करना चाहेगा चाहेगा पर कर नहीं पाएगा फाइनली ड्रिफ्ट होगी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट बट ये बिल्कुल स्ट्रेट बाथ में देखो जब अगर ये कंडक्टर नहीं होता ना बच्चों अगर स्पेस में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कंडक्टर हमें क्या पता है कि कंडक्टर में कंडक्टर में क्या एटम्स है टाइटलीउंड आस पास में एटम्स रखे हैं अगर इलेक्ट्रॉन मूव करना चाह भी रहा है तो सामने एटम आया टकराया कोलाइड किया फिर से वो अपनी बात भूल गया तुम जस्ट इमेजिन करो कि तुम एक क्राउडेड प्लेस में चल रहे हो तुम एक क्राउडेड प्लेस में चल रहे हो तुम्हें पता है कि तुम्हें यहां से वहां जाना है तुम्हारा एम तुम फिक्स है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी पता है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है उस पर क्या लग रहा है एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसे इस डायरेक्शन में मूव करना उसे ज़... वो उसे पता है लेकिन अगर वो क्राउडेड प्लेस है तुम क्या करोगे टकराओगे ना वहां पे लोगों से टकरा टकरा के टकरा टकर तुम्हारी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी जिग जिगज बात तुम लोगे ना वहां पे इलेक्ट्रॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और इस पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता मतलब ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ये एक्सेलरेट करता है वैसे क्या होता है फिर से कोलिजन होती है फिर से वेलोसिटी uh, बदल जाती है फिर से वो आगे बढ़ा फिर से उसकी अगर नेट वेलोसिटी की मैं बात करूं सारे इलेक्ट्रॉन की जितने भी फ्री चार्जे सबकी अगर वेलोसिटी की एवरेज लो ना वेलोसिटी की एवरेज स्पीड की नहीं बच्चे वेलोसिटी की एवरेज क्योंकि सारे की डायरेक्शन अलग अलग होगी ना सबकी कोलिजन अलग अलग डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा इससे इसकी वजह से नेट वेलोसिटी वहां पर जीरो हो जाएगा है ना फिर से इसे फोर्स मिलेगी फिर से ये ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हो कहानी समझ में आ रही है ना फिर से इसको पाथ में हर्डल मिलता है एटम के में, के फॉर्म फॉर्म में में आयंस फिर 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 से फिर से से इसकी पाथ होती है फिर से, तो लेकिन फाइनली ये फाइनली ये मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इतनी बात समझ आती है तुम्हें ठीक है कोई दिक्कत ये सब चीजें तुम्हें मतलब कौन यही कॉन्सेप्ट बचो ये सब समझोगे तभी तुम जो एमसीक्यूज है वो कर पाओगे देखो क्या होता है अब तुमने क्या कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन को तुमने एम दे दिया इलेक्ट्रॉन को पता है कि मुझे लेफ्ट में मूव करना है इलेक्ट्रॉन जानता है कि मुझे लेफ्ट में मूव करना है लेकिन ये लेफ्ट में जैसे मूव करना चाहता है जैसे ये लेफ्ट में मूव किया वैसे यहाँ पे टकराया बूम एक आ, आयन से टकराया इसकी पाथ डेविट हो गई इधर चली आई यहाँ पे टकराया ऐसा चला गया ये यहाँ पे टकर, इस जगह टकराया इधर चला गया तब तो टकराते, टकराते फाइनली फाइनली

कि ये जो जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सारी इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से मूव करती है ठीक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम अगली क्लास में देखेंगे फिलहाल अभी लिख लो कि यहां पे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मिनट तो यहां हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फीड इज नॉन जीरो ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि जितने भी चार्ज हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबके सब कुछ ना कुछ ड्रिफ्टिंग तो हो रही है इन द ऑपोज़िट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है सबों की तो कुछ ना कुछ विलोसिटी हो रही है और इंडिविजुअली भी हर चार्ज की विलोसिटी नॉन जीरो है और अगर एवरेज वैल्यू भी लोगे तो दैट विलॉस जीरो क्यों क्योंकि सारी डिस्प्लेसमेंट ना एक ही डायरेक्शन में हो रही है है ना अगर साइड डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हो रही है तो सबकी अगर एवरेज वैल्यू भी लोगों तो भी नॉन जीरो और यहां से बिकॉज दिस एवरेज वेलोसिटी इज नॉन जीरो अगर फाइनली तुम्हारी चार्ज मूव कर रही है तो ये क्या बना देगी करंट बनाएगी तो हम कह सकते हैं कि करंट विल आल्सो बी नॉन जीरो ठीक है तो हम समझ आ गया कि भाई करंट जो होती है किसी कंडक्टर में नॉन जीरो कैसे होती है कब होती है जब उस कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोवाइड करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं जब हम जब हम कंडक्टर के दो एंड प्रोवाइड कर तो समझ, समझ करने के लिए अच्छा एक और एजम्शन ले लें ले यहाँ पे एक एजेंशन हम ये लेके चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होती है ऑल दो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में भी इलेक्ट्रॉन के पास उतनी आसान नहीं होती क्योंकि इसके रास्ते में काफी सारे एटम्स होते हैं तो इसके बाद जिगजैक जिगजैक -जिग 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 होते होते ये ड्रिफ्ट करती है लेकिन हम ये जूम करके चलते हैं कि जो जो, जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना सबके सब अच्छे बच्चे की तरह बिल्कुल स्ट्रेट पाथ लेके चलते हैं विद कांस्टेंट स्पीड ये हमारा अजम्पशन होता है ठीक है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सबके सब, सब। सेम वेलोसिटी से चलते हैं तो लिख लो वी अज्यूम रियलिटी कुछ अलग है ठीक है वी अज्यूम दैट all electrons move with same velocity vd ab ye jo vd likha hai na bachche yahi hai tumhari drift velocity drift velocity ab ye kya hoti hai ये होती है average velocity ये जो average velocity है ना, this is the drift velocity और यही हम अज्यूम करके चलते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल होती है ठीक है तो अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में आई मीन I mean, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन देखेंगे विथ करेंट एंड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो अगले टॉपिक uh, में इस, इसे हम अच्छे से समझेंगे फिलहाल आप ये समझो कि uh, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ करंट बन रहा है ऑब्वियसली तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे हो रही है क्या आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है एंटीक्लॉक वाइज डायरेक्शन में बच्चो हु? और हमें क्या पता है कि करंट कैसे बनती है करेंट होती है करंट uh, की डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब यहाँ पे करंट कैसी बन जाएगी क्लॉक वाइज ठीक है ठीक है ना तो आपको ये समझ आ गया कि किसी भी कंडक्टर में करेंट कैसे फ्लो करती है ठीक है बच्चो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ओम्स लॉ अब ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये करेंट uh, और वोल्टेज की रिलेशन बताता है देखो ये लॉ कहता है कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है और अगर इस कंडक्टर से हम सपोज आई करेंट फ्लो करते हैं ठीक है तो इस करेंट के फ्लो करने से इस कंडक्टर के एंड के अक्रॉस में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा है ना मान लो वो पोटेंशियल डिफरेंस वी है मान लेते हैं ये वाली एंड वी पोटेंशियल पे ये वाली एंड जीरो पोटेंशियल पे अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस मैटर करता है तो ये लॉ कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक अगर हम करंट uh, बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी बढ़ती है ठीक है यही है ओम्स लॉ क्या कहता है ओम्स लॉ सेज दैट दी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट बेसिकली दिस पोटेंशियल डिफरेंस

आई इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी ही होता है और ये बात समझ भी आती है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन uh, की बात करें तो इसमें uh, हमेशा हम ये समझते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इनडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो इस लॉ uh, के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि करेंट यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वोल्टेज करेंट पर डिपेंड करा है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करेंट पर डिपेंड करा है तो ये बात बहुतों को हजम नहीं होती है हमें ये लगता है ना कि जब बैटरी आप कनेक्ट करो तभी तो करंट फ्लो कर रही है मतलब वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट तो यहाँ पे इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए आप ऐसे लिख लो कि यहाँ पे वी इज नॉट द वोल्टेज ऑफ बैटरी यहाँ पे ऐसे आप लिख लो कि वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑफ द कंडक्टर ऑफ कंडक्टर, ठीक है और जो आई है इट इज करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ठीक है अब बात आ रही है समझ में ठीक है तो ये ओम्स लॉ यहां पर जो आर है ना बच्चों ये आर कहलाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यही है तुम्हारा रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट क्या होती है ओम्स लिख लेते हैं वेर आर इज रेजिस्टेंस ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट इसकी होती है ओम या सिंबल इसकी होती है कुछ इस तरीके से ठीक है ये जो रेजिस्टेंस होती है ना बच्चों ये रेजिस्टेंस

इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स ऑन दटेरियल साथ ही साथ डायमेंशन पर डिपेंड करती है ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर एंड Also, on how current is flowing, how current is flowing, basically direction की बात कर रही हूं मैं अब इसे समझ लो मान mere मेरे पास एक आ, कुछ इस तरीके का conductor है ठीक है क्यूबॉइड कह सकते हो इसको क्यूबॉइड कंडक्टर है अच्छा सपोज इसके इस फेस से करंट इन करती है इस करंट से करेंट, इस फेस से करंट आउट करती है मतलब इस फेस से करंट इन करती है और इस फेस से करंट आउट कर आउट होती है तो यहाँ पे मान लेते हैं इस जगह पे करंट आई वन है तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रेजिस्टेंस होगी इस कंडक्टर की मान लो आर वन है और दूसरी एग्जाम्पल में हम देख लें कि इसके फ्रंट वाली फेस से अगर करंट इन कर रही है और इसके बैक साइड बैक साइड से करंट निकल रही है बाहर तो इस कंफिग्रेशन इस तरह के फ्लो के लिए मान लेते करेंट आई टू है और इस कंडक्टर की इस वक्त रेजिस्टेंस कुछ अलग हो जाती है आटो तो ये कह रही थी मैं अगर मान लो एक तुम्हारी सिमेट्रिकल कंडक्टर है और अगर मैं डायरेक्शन को बदल दूं मतलब जस्ट ये समझो कि डायरेक्शन ऑपोजिट कर दूं करंट की तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंडक्टर में एटलीस्ट जो जो भी तुम्हारी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करती है उसमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अभी इस कंडीशन में फर्क पड़ जाएगा ठीक है तो ये कंफ्यूजन ना हो कि मैम डायरेक्शन को ऑपोजिट करने से तो फर्क नहीं पड़ता पे। तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिया ठीक है अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली करेंट की वेरिएशन करते हैं हम और पोटेंशियल डिफरेंस की वेरिएशन नोट करते हैं करंट के वैरी करने से पोटेंशियल uh, डिफरेंस कैसे वैरी करता है उसकी स्टडी है ये तो इसके लिए जो सर्किट अरेंजमेंट होती है कुछ इस तरीके से कंडक्टर होती है हमारे पास अब कंडक्टर के थ्रू हमको करंट को फ्लो कराना है तो भाई क्या पढ़ा हमने कि इसके अक्रॉस हमको एक बैटरी कनेक्ट करनी होगी साथ ही साथ हमको क्या करना है कंटिन्यूसली करंट को वेरी कराना है जिससे कि हम इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वेरिएशन को देख सके तो करंट कैसे वेरी करा सकते हैं हम क्या करते हैं इसके साथ सीरीज में हम एक वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हैं ठीक है इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है अपनी मर्जी से हम वेरी कर सकते हैं अच्छा तो इसकी वजह से क्या होगा करंट वेरी करेगी और करंट अगर वेरी करेगी तो हम देखेंगे इस कंडक्टर के दो एंड के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुई है तो ये करंट और वोल्टेज की आ, को मेजर करने के लिए हम हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हम यूज करने वाले हैं वो होती है एमीटर और वोल्ट मीटर ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज आप पढ़ोगे बाद में ठीक है तो एमीटर को कैसे हम लगाते हैं जिस पाथ से हमको करेंट मेजर करना होता है उस पाथ में लगा देते हैं सीरीज में बेसिकली लगाते हैं

अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसको इग्नोर करके चलो क्योंकि ये बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगी अमीटर में आइडियल केस में क्या होता है इसकी इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है ये क्या होती है जीरो होती है बहुत बहुत कम होती है और वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है काफ़ी ज़्यादा होती है मतलब इन्फिनी मान के चलते हैं फ, इन फॉर आइडियल सिचुएशन और इन रियल बहुत ज़्यादा होती है वैल्यू ठीक है तो चलो ऐसे हम क्या करते हैं रेसिस्टेंस uh, बदलते हैं सर्किट में और इसकी वजह से करंट वेरी करते हैं और करंट के वेरिएशन को uh, देखते हुए हम पोटेंशियल डिफरेंस की वेरिएशन को हम मेजर uh, uh, करते हैं और हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस कैरेक्टरिस्टिक की जो ग्राफ बनेगी कुछ इस तरीके से क्योंकि हमारे पास जो तुम्हारी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है करेंट है करेंट को वेरी कर रहे हैं फिर पोटेंशियल डिफरेंस वेरी हो रही है तो करेंट को हम प्लॉट करते हैं कहाँ एक्स एक्सिस में ये करंट है और वाई एक प्लॉट करते हैं हम वोल्टेज को ठीक है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बिकॉज बिकॉजेंशियल डिफरेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट तो हमारी जो ग्राफ बनती है ना वो कैसी बनती है स्ट्रेट लाइन बनती है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन कुछ इस तरी तरीके से इस जगह पे हमने क्या माना है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यानी V इक्वल्स क्या है आर आई यानी आर इक्वल्स क्या है वी बाय आई यानी इस ग्राफ के अगर स्लोप हम ले अगर इस ग्राफ की किसी पॉइंट पे अगर हमको स्लोप चाहिए दो पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लो इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो इन दो पॉइंट से दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो ये क्या है बच्चों ये है चेंज इन करंट और ये क्या है दिस इज दिस इज चेंज इन वोल्टेज इतनी चेंज करेंट करेंट कोई ऐसे चेंज करोगे तो वोल्टेज तुम्हारी इतनी बदल रही है, है ना तो यहाँ पे ये हो गई तुम्हारी थीटा एंगल और टेन थीटा क्या होती है स्लोप ऑफ द ग्राफ तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो स्लोप होगी ना दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आई मीन चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट और ये कुछ नहीं ये क्या है रेजिस्टेंस है मतलब वी आई कर् में वी आई ग्राफ में जो स्लोप होती है ना वो रेजिस्टेंस होती है है ना तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इस बात का ध्यान रखना किस कर्व की किस ग्राफ की बात मैं कर रही हूँ इन वी आई ग्राफ जिसमें वी तुम्हारी अः वाई एक्सिस पे होती है और आई तुम्हारी कहाँ होती है एक्स एक्सिस पे होती है ठीक है तो इस बात का ख्याल रखना भी न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काम आएगा और दूसरी बात इसको कर दूँ पहले कभी-कभी ये ग्राफ ना हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से यानी वी को आप ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे और आई को प्लॉट कर देते हो वाई एक्सिस पे मतलब यहाँ पे वी आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाती है और आई आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आपने क्या किया है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किया है मतलब अगर यहां पे मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाऊं तो आई इक्वल्स क्या करेंगे अब बिकॉज इक्वेशन तो नहीं बदल सकता तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट क्या हो जाती है वन बाय आर हो जाती है तो अगेन यहाँ पे वी इक्वल्स आई आर आ जाता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं इक्वेशन सेम ही है तो यहाँ पे अगर देखो तो इस जगह पे आई बाई वी इक्वल्स क्या हो गया वन बाय आर है ना और यहाँ पे इस जगह पे भी बिकॉज आई इज़ proportional टू वी है तो इस जगह पे भी जो तुम्हारी ग्राफ बनती है वो क्या बनती है स्ट्रेट लाइन बनती है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे जो स्लोप होगी इसकी ये क्या होगी वन बाय आर के इक्वल होगा इस जगह पे स्लोप क्या होगा अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूँ तो दो पॉइंट ले लो स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट ले लो ठीक है उस दो पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे ठीक है ये जो वेरिएशन है ये कितनी है डेल्टा वी की है और डेल्टा भी की वेरिएशन होने से जो करंट की वेरिएशन होती है डेल्टा आई की होती है तो यहाँ पे तुम्हारी जो स्लोप हो जाएगी ना इस जगह पे जो स्लोप होगी बच्चे ये इक्वल्स होगी किसके डेल्टा आई बाई डेल्टा भी है ना एंड इट इज नथिंग बट इक्वल टू वन बाई आर तो यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि आई वी ग्राफ में आई वी ग्राफ में जो स्लोप होती है ना इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है ठीक है ये पॉइंट आपके नोट करने वाले हैं तो ये मेरी हो गई वीआई कैरेक्टरिस्टिक और ये जो वीआई आई करेक्टरिस्ट करेक्टरिस्टिक मैं बना रही हूँ ये किसके ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है मतलब यहाँ पे ग्राफ माई लीनियर है दोनों केस में मेरी रेसिस्टेंस क्या है कॉन्स्टेंट है मतलब वी और आई से रेसिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है करंट को वैरी करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज वेरी होगा वोल्टेज को वेरी करोगे तो उसके अकॉर्डिंग करंट वैरिय होगा पर रेसिटेंस में कोई फर्क नहीं आएगा एज लॉन्ग एज टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है एज लॉन्ग एज मटेरियल सेम है डायमेंशन सेम है आपकी तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है वो दो तरह की हो गई एक तो होती है लीनियर तो अभी अभी इसका एग्जाम्पल हमने देखा कि जब कभी भी वी और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है तो अभी जो ग्राफ आई ग्राफ बनती है वो क्या होती है लीनियर ग्राफ यानी स्ट्रेट लाइन बनती है जो ओरिजिन से पास करता है और उसके स्लोप हर पॉइंट पे सेम होती है तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं लीनियर ठीक है ऐसे केस में रेसिस्टेंस क्या होती है कॉन्स्टेंट अब कॉन्स्टेंट होने का मतलब यहां पे ऐसा नहीं कि तुम तो मटेरियल को वेरी कर दो या डायमेंशन को वेरी कर दो तो कांस्टेंट होगी बिल्कुल नहीं रेसिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब हो गया कि इससे वोल्टेज और करंट के वेरिएशन से मतलब नहीं है रेजिस्टेंस यहाँ पे यानी दोनों की जो रेशियो होगी वी और ये और शो करता है, उसे हम बोलते हैं, ओमिक या आप कह सकते हो कंडक्टर में ओमिक कंडक्टर ठीक है ओमिक कंडक्टर ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते मतलब जहां पे वी और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होता कुछ रेंज तक ही प्रोपोर्शनल होता है आ, वैसे डिवाइस में रेसिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज करंट के वैरी करने से वैरी हो जाती है तो वैसे ही डिवाइस को हम नॉन ओमिक डिवाइस बोलते हैं और वो वी आई कैरेक्टरिस्टिक उसकी कैसी होती है नॉन लीनियर होती है तो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक देखने से पहले हम इस लीनियर कैरेक्टरिस्टिक पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मान लीजिए मेरे पास वी आई ग्राफ दे रखी है दो कंडक्टर के कोरोस्पॉ मेरे पास दो कंडक्टर है ए बी और दो ग्राफ दिया हुआ है एक वी वर्सेस आई की ग्राफ है दूसरी आई वर्सेस वी ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ ये बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये यहां भी ए के करस्पॉन्डिंग बी के क्रस्पॉन्डिंग ये या इसको एक काम करो दूसरा नाम डाल दो सी डी डाल दो CD. तो ये दो क्वेश्चन है मेरे पास मुझे बताना है दोनों में ए और बी सी और डी में दोनों में आ, किसकी रेसिस्टेंस ज्यादा है ठीक है पहले क्वेश्चन में ए बी में किसकी ज्यादा है सेकंड क्वेश्चन में सी डी में किसकी रेसिस्टेंस ज्यादा है फाइंड द कंडक्टर हैविंग ठीक है तो यहाँ पे पहले केस की मैं बात करूँ ये वी आई ग्राफ है इसमें पहले तो ये निकालो कि स्लोप किस कंडक्टर की किस कंडक्टर के करोस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है उसके ज्यादा है तो आपको दिख रहा है कि स्लोप करस्पॉन्डिंग टू ए इज ग्रेटर देन स्लोप करस्पॉन्डिंग टू बीस इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई एंगल तो ज्यादा बना रही है देखो है ना तो और दूसरी बात ये वी वर्सेस आई के ग्राफ में हमें पता है कि जो स्लोप होती है वो आर के प्रोपोर्शनल होती है मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप अगर स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की ज्यादा होगी तो आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज हाइयर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी कंडक्टर ठीक है सेकेंड केस uh, में ये आई वी कर्व है यहां पे हमें दिख रहा है कि स्लोप ऑफ सी इज स्लोप ऑफ सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ डी और साथ ही इसमें हमें क्या है कि वन बाय आर इज प्रोपोर्शनल टू स्लोप मतलब स्लोप जिस कंडक्टर की कोरोस्पॉ ज्यादा होगी ना उसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो हम कह सकते हैं इस केस में कि डी की uh, जो रेजिस्टेंस है डी की रेजिस्टेंस है वो क्या होगी सी के रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी ठीक है कोई दिक्कत सिंपल सा क्वेश्चन था अच्छा नॉन लिनियर कैरेक्टरिस्टिक है बस देख लो नॉन लिनियर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ एक एग्जांपल बना देती हूँ कुछ इस तरीके की ग्राफ बन सकती है अलग तरीके से भी ग्राफ बन सकती है तो यहां लिख लो कि आ, दीज या non ohmic device so non uh, non ohmic device does not have linear graph because these don't follow ohm's law and also r is not constant हो सकता है सर्टेन रेंज के लिए आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो बट आर इन जनरल कॉन्स्टेंट नहीं होता नॉन लिनियर डिवाइस में नॉन लिनियर कैरेक्टरिस्टिक में ठीक है नॉन ओमिक डिवाइस में एग्जाम्पल में लिख लीजिए डायोड ट्रांजिस्टर काफी सारे डिवाइस ऐसे सेमीकंडक्टर में बहुत सारे डिवाइस है वैक्यूम ट्यूब हमारी फिलामेंट बल्ब होती है वो नॉन लीनियर नॉन ओमिक डिवाइस में आती है ठीक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों करेंट डेंसिटी बहुत प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है बेसिकली इट इज करेंट पर यूनिट एरिया ये क्या है करेंट पर यूनिट एरिया और ये जो एरिया है ना दैट मस्ट बी नॉर्मल टू नॉर्मल टू करेंट जैसे मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है ठीक है और ये इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है बीच में कहीं पे सपोज ए ये इसके करंट uh, की डायरेक्शन मान लो ये है तो आप यहां कह सकते हो इस केस में करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं तो कह सकते हैं इस केस में जे इक्वल सिंपली आई अपॉन ए कोई दिक्कत नहीं अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ मैं मान लो अगेन एक कंडक्टर है मेरे पास और यहाँ पे मैंने अब जो एरिया लिया कुछ टिल्टेड है कुछ इस तरीके से ये टिल्टेड है इस अभी क्या है इसकी एरिया इस क्रॉस सेक्शन की एरिया जो थोड़ी सी टिल्टेड है ये ए है और अभी भी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है तो इस एरिया की हम वो कंपोनेंट लेंगे जो करंट के नॉर्मल हो अगर मान लो ये एंगल क्या है ये एंगल जो एरिया तुम्हारी बन रही है इस एरिया थीटा का वो कॉम्पोनेंट लेंगे जो करेंट के डायरेक्शन में है यानी सरफेस करंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल हो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे एरिया की कौन सी कंपोनेंट लेंगे हम ये वाली है ना क्या लिख सकते हैं केस में जे इक्वल्स वॉट आई अपॉन ए कॉस थीटा ना समझ रहे हो भाई ये एंगल तो ये एंगल तो थीटा ही होगा ना ए कॉस्टा अच्छा तो ये हो गई मेरी तो इन जनरल हम ऐसे डिफाइन करते हैं करेंट डेंसिटी को तो हम लिख सकते हैं जे इक्वल्स आई अपॉन ए कॉस थीटा वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन वॉट करेंट एंड डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड एरिया वैक्टर ठीक है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट एंड एरिया वैक्टर सही लिखा है ना तो यहां से हम क्या करेंट को लिख सकते हैं करेंट इक्वल्स जे इन टू ए कॉस थीटा और जब कभी भी कॉस थीटा आता है तो हमें पता है कि ये क्या है इसको हम डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बच्चों यहाँ से एक और बात समझ में आती है कि जे क्या है एक vector quantity है. मतलब ये जो current density है ना इट्स वेक्टर क्वांटिटी ऐसा कैसे जब करेंट तुम्हारी वैक्टर क्वान्टिटी नहीं है तो करेंट डेंसिटी वैक्टर क्वान्टिटी कैसे हुए देखो करंट की जनरेशन क्यों होती है कैसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है जब कभी किसी कंडक्टर में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हो तो वहां पे करंट बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी को जनरेट कर रहा है जो एक टेंसर क्वांटिटी है, है ना तो वहां पर बात हजम नहीं होती है. बट यहाँ पे अब समझ आ रहा है कि करंट डेंसिटी भी क्या है करंट डेंसिटी भी तो डायरेक्टली रिलेटेड है तुम्हारे करंट से तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो करंट डेंसिटी को जनरेट करती है तो करंट डेंसिटी की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है ठीक है ना तो लिख लो कहीं पे द डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर इज अलोंग ई वेक्टर ठीक है आई बात समझ तो ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखना है ये दैट आई इक्वल्स जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर ठीक है एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है ना चलो एक क्वेश्चन कर ले इस पे? देखो. मेरे पास एक है और इस कंडक्टर से करंट फ्लो रही है कितनी सपोज टू मिलियम की ठीक है और इस कंडक्टर में एक आ, एरिया में ले रही हूँ कुछ इस तरीके से समझ आ रहा है कुछ एक सेकेंड ये एरिया की ये वाली एज ना इस एज से बना रही है थर्टी डिग्री एंगल सपोज ठीक है और इस एरिया की वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपको बताना है वट इज द वैल्यू ऑफ वट इज द वैल्यू ऑफ जे जे की वैल्यू बता करेंट डेंसिटी बताना आपको तो यहां पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे जे इक्वल्स जे इक्वल्स आई बाई ए परपेंडिकुलर द कॉम्पोनेट ऑफ एरिया वैक्टर परपेंडिकुलर नॉर्मल टू फ्लो ऑफ करेंट तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो ये जो एरिया बनी है ना अगर इसकी वो कॉम्पोनेट ले जो जो तुम्हारे करेंट के नॉर्मल है तो तुम सोचो तुम पहले क्या करो इस एरिया की नॉर्मल बना लो इस एरिया पे एक नॉर्मल वैक्टर ड्रॉ लो तो ये मेरी एरिया वैक्टर हो गई ना ठीक है हमें बेसिकली एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड करंट की डायरेक्शन निकालना है बेसिकली हमें ये एंगल निकालना है बताओ ये एंगल कितनी है ज्योमेट्री से बताओ कितनी होगी एंगल ये एंगल कितनी है ये एंगल थर्टी डिग्री ऊपर वाली ये एंगल थर्टी डिग्री है तो ये एंगल कितनी होगी सिक्सटी डिग्री ना हम तो क्या हम लिख सकते हैं आई अपॉन ए कॉस थीटा कोई दिक्कत है समझने में ए कॉस थीटा क्या कॉस सिक्सटी आई अपॉन ए कॉस सिक्सटी करंट कितनी है करंट है टू मिली एम्पेयर की यानी टू इन टू टू पावर माइनस थ्री कितनी है ए कितनी है वन सेंटीमीटर स्क्वायर यानी यानी टेन रेस्ट पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं और साथ में कॉस थीटा कॉस सिक्सटी कॉस सिक्सटी कॉस सिक्सटी मीस हाफ हाफ तो यहां से मेरी जे की वैल्यू कितनी आ रही है ट्वेंटी ट्वेंटी आई ना टेन ये तुम्हारा माइनस वन हो गया ट्वेंटी इंटू टू दी फोर्टी क्या फोर्टी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर तो ये मेरी करंट डेंसिटी की वैल्यू आती है आई बात समझ बच्चों ठीक है तो ये फॉर्मूला क्लियर हुआ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखो अभी अभी हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ा था ओम्स लॉ में जहां पे हमने इस आर को रेजिस्टेंस को एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया था और हमने क्या आ, मैंने क्या बताया था आपको कि रेजिस्टेंस जो होती है इट डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन मटेरियल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर है ना टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है ठीक है साथ में करेंट uh, की फ्लो के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है ठीक है तो अभी हम बात करते हैं कि ये डायमेंशन पर कैसे डिपेंड करती है अगर मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है मान लिया कि थ्रू आउट इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है कॉन्स्टेंट है ये क्रॉस एक्शन एरिया हो गई ये इसकी लेंथ हो गई अगर और करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो इस करंट के लिए ये लेंथ हो गया और ये क्रॉस सेक्शन हो गया तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब वो एरिया जो करंट के फ्लो के नॉर्मल है इस बात को समझो यहाँ पे ये इस इस करंट के लिए ही हम एरिया की क्रॉस सेक्शन को ऐसे मान सकते हैं तो यहाँ पे ये देखा गया कि जब आप किसी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते हो जितने फैक्टर से उसी फैक्टर से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है ये प्रैक्टिकली देखा गया तो वी कैन राइट दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या देखा गया कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटती है तो इनको जब कंबाइन आप कीजिएगा तो वी कैन राइट दैट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी uh, साइन को हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट जो होता है रो ये जो रो है ना बच्चे इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं रेसिस्टिविटी वेर दिस रो इज रेसिस्टिविटी ठीक है और इसकी यूनिट क्या होती है देखो यहीं से यूनिट बता दो क्या होगी ओम मीटर नहीं होगी ठीक है ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ वॉट रेजिस्टिविटी अब यहाँ पे तुम इस जगह पे आप समझ सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है ना वो एल ए डिपेंड कर रहा एल ए क्या है एल ए क्या है बच्चों एल ए है डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर और ये जो रो है ना यही तुम्हारी क्या है मटेरियल मतलब मटेरियल मतलब मतलब की प्रॉपर्टी uh, है रो इज द रेसिस्टिविटी विच डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन मटेरियल रो को डायमेंशन से मतलब नहीं होता ठीक है तो यहाँ से रो का मतलब हो गया कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रो इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल बेसिकली एंड इट डिपेंड्स ऑन एल बाय मीन इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर ठीक है चलिए लिख लो इट डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन मटेरियल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसे ठीक है नेक्स्ट वाले टॉपिक में इसको कवर करेंगे डिपेंड्स ऑन मटेरियल अच्छा इस फॉर्मूले से ना हम ओम्स लॉ की एक और फॉर्म डिराइव कर सकते हैं हमने क्या देखा कि ओम्स लॉ क्या है ओम्स लॉ है v इक्वल्स आई आर है ना और अभी भी मैंने क्या देखा कि r इक्वल्स क्या है रो इन टू अगर इसे मैं पहली इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या लिख सकती हूँ v इक्वल्स रो इंटू एल लिख सकती हूँ क्या फर्दर कैन वी राइट वी बाई एलव रो ठीक है एंड ऑफ कंडक्टर ये तो V है और l इज लेंथ तो एल v बाय क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हम ये जानते हैं क्या इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स रो एंड आई बाई ए क्या है आई बाई ए क्या हमने अभी भी देखा इट इज करेंट डेंसिटी फर्दर कैन वी राइट दट दिसवल क्या ये जो वन बाय रो है ना बच्चे वन बाय रो होती है कंडक्टिविटी इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से ई e. तो ये जो इक्वेशन लिखी है ये भी है ओम्स लॉ का ही दूसरा फॉर्म इसे भी ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं तो ये एक एडिशनल बात मैंने तुम्हें बताई है कि यहाँ पे देखो एक और बात पता लगती है मैंने अभी थोड़ी देर पहले यह बताया कि जो करेंट डेंसिटी है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है करेंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी साथ में सिग्मा आता है जो कि जिसे हम क्या कहते हैं करेंट डेंसिटी लिख लो वेर सिग्मा इक्वल्स वन बाई रो इट इज कंडक्टिविटी इट इज कंडक्टिविटी ठीक है ना और कुछ बेसिक सी बातें कर लें क्या देखो r क्या होती है बच्चों r होती है रेजिस्टेंस ये आपको पता है ठीक है बहुत अच्छे 1/r क्या होती है ये होती है कंडक्टेंस जिसको g से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस r इक्वल्स क्या है रो l a रो क्या होती है रेजिस्टिविटी जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं रेसिस्टिविटी और वन बाय रो क्या होती है सिग्मा जिसको हम क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी तो ये छोटी सी बात है मतलब तो याद रखो तो अच्छी बात है ठीक है चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अब वायर पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ होते हैं जो कि वायर के स्ट्रेचिंग से रिलेटेड होते हैं मतलब अगर वायर को तुम स्ट्रेच कर दो तो उसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ठीक है तो देख लेते हैं बच्चों अगर वायर को तुम स्ट्रेच करोगे ना एक बेसिक सी बात आप दिमाग में रखना कि जब वायर को तुम स्ट्रेच करोगे तो उसकी वॉल्यूम नहीं बदलेगी वायर को अगर स्ट्रेच कीजिएगा तो उसकी वॉल्यूम नहीं बदलेगी तो इस बात का ध्यान रखते हुए अगर मान लीजिए मेरे पास इनिशियली कोई वायर गिवन है जिसकी लेंथ मान लो एल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी ए है और फाइनली इसको स्ट्रेच करने के बाद इसकी लेंथ बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगी ठीक है क्या कांस्टेंट होती है तो Volume, cases, A1, A2, या लिख सकते हैं हम एल टू इक्वल्स क्या लिख सकते हैं ए वन बाय ए टू है ना फर्स्ट इक्वेशन बना लो इसको अच्छा पहली केस में यानी इनिशियल केस में ये इनिशियल केस है मेरी और ये है आफ्टर स्ट्रेचिंग ये फाइनल केस है ठीक है ठीक इनिशियल केस में अगर मैं रेसिस्टेंस लिखू तो R1 क्या लिख सकती हूँ मैं देखो मटेरियल सेम है बच्चों तो रो की वैल्यू नहीं बदलेगी रो क्या होती है रो टोटली डिपेंड करती है मटेरियल पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है मैंने तो रो इन टू क्या हो जाएगा एल वन बाय ए वन हो गया क्या और सेकंड वाले केस में वी कैन राइट आर इक्वल्स वर्ट रो इन टू एल टू बाई ए टू लिख सकते हैं ना हुँ? यहां से अगर मैं तुमसे आर टू आर वन की रेशियो पूछू तो क्या बताओगे आर टू बाई आर वन इक्वल क्या हो जाएगी एल टू इक्वेशन अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या लिख सकते हो ए वन बाय ए टू की जगह पे एल टू बाई एलवन तो क्या वी कैन राइट दैट आर टू बाई आर वन इक्वल सिंपली क्या हो गया एल टू बाय वन का होल स्क्वायर इस बात को आप ध्यान रखना इस बात का ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब कर लोगे आप जो रेजिस्टेंसेस की रेशियो होती है ये लेंथ की रेशियो के स्क्वायर होती है या यहाँ पे ये भी लिख सकते थे आप ए वन बाय ए टू का स्क्वायर l2/l1 के स्क्वायर की जगह पे आप e1/e2 का तो जनरली लेंथ की बात होती है लेंथ, लेंथ को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो हम यहाँ पे लेंथ की रेशियो में इसको डिनोट करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन है अ कंडक्टर एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस 5 ओम है और इसको हम स्ट्रेच करते हैं बाई टेन फाइन दी न्यू रेजिस्टेंस ठीक है यानी क्या क्या दे रखा है यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है इनिशियली रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितनी फाइव की दे रखी है और इसको कितना तुम स्ट्रेच करते हो ट्वाइस करते हो तो मान लेते हैं मेरी इनिशियल लेंथ क्या है एलवन है तो मुझे बताओ फाइनल लेंथ क्या हो गई तुम्हारी फाइनल लेंथ क्या हो गई ट्वाइस से स्ट्रेच करो ना मतलब बाइस ट्वाइस का मतलब हो गया कि इनिशियल लेंथ टू एल वन और एड कर दो है ना अच्छा आर टू की वैल्यू बतानी है हमें ये क्या हो गया थ्री एल वन तो यहां से ऊपर वाले फॉर्मूले से कैन वी राइट आर टू बाई आर वन इक्वल्स एल टू बाई एलवन मीन्स वी एल वन बाय थ्री एल वन बाय वन

टू एल वन बाई एल वन यानी इसका स्क्वायर यानी फोर हो गया फोर इन फाइव क्या हो गया ट्वेंटी ओम तो ये तुम्हारा आंसर आ रहा है सेकेंड केस का नहीं दिख रहा ना ये तुम्हारा सेकंड केस मतलब तुमने क्या किया है जस्ट डबल कर दिया है वाई को समझ आई बात चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट परसेंटेज पे देख लेते हैं क्वेश्चन है इफ अ वायर इज स्ट्रेस्ड बाई पॉइंट वन परसेंट देन परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस हमें बताना है ऑप्शन दे रखा है पॉइंट वन पॉइंट टू वन परसेंट एंड टू परसेंट कौन सा ऑप्शन सही है वायर को स्ट्रेच किया है पॉइंट वन परसेंट से तो हमें इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बताना है बच्चों देखो कैसे करते हैं मान लिया कि इनिशियल लेंथ एल्वन है और फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी इनिशियल लेंथ प्लस इनिशियल लेंथ का पॉइंट वन परसेंट मीन्स पॉइंट वन बाई हंड्रेड इन टू एल्वन इतनी होती है अच्छा यहाँ से हम एल टू बाई एलवन क्या लिख सकते हैं एल्वन को ले लो कॉमन और लिख लो वन प्लस जीरो पॉइंट वन बाय हंड्रेड कोई दिक्कत यहाँ तक ठीक है चलो इसके आगे बढ़ते हैं एल टू बाय एलवन इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम इसके बाद से क्या लिख सकते हैं हंड्रेड को ले लो एल्सियम uh, नीचे डिनोमिनेटर में तो हंड्रेड प्लस हंड्रेड पॉइंट वन यहाँ तक कोई दिक्कत एल टू बाई एलवन क्या हो गया हंड्रेड पॉइंट वन बाई हंड्रेड अच्छा हमें एक और बात क्या पता है कि जो आर टू बाय आर वन होता है आर टू बाय आर वन रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल क्या होता है एल टू बाय एलवन का स्क्वायर होता है ना ये हम जानते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा तुम्हारा हंड्रेड पॉइंट वन बाई हंड्रेड का स्क्वायर या सिंपली स्क्वायर ऐसे लिख लिख लो वन पॉइंट जीरो जीरो तक कोई दिक्कत नहीं तो एल टू बातनी आ रही है हमें क्या निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस तो फॉर्मूला लिख लेते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस परसेंटेज इंक्रीज रेजिस्टेंस का मतलब हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस मिस आर टू माइनस आर वन बाई इनिशियल रेजिस्टेंस इन टू हंड्रेड यही होगा फर्दर कैन वी राइट आर टू बाई आर वन माइनस वन इन टू हंड्रेड यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत तो क्या आर टू बाई आर वन की जगह पर अगर आर टू बाय आर वन की जगह पर अगर हम एल टू बायन का स्क्वायर पुट करेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं तो कैन वी राइट परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इक्वल सिंपली एल टू बाय एल वन का स्क्वायर माइनस वन और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हंड्रेड तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो पर यहाँ भी कैलकुलेशन है बच्चों यहाँ भी कैलकुलेशन है पुट कीजिए एल टू बाय वन को यहाँ से पुट करो इस जगह से क्या लिखें क्या लिखें परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इक्वल्स क्या है वन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन का स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड वन पॉइंट जीरो जीरो वन का स्क्वायर है तो, वन इंटू वन जीरो ज़ीरो टू थ्री थ्री एक बार चेक कर लो एक बार चेक कर लो यही आ रहा है क्या है ना इसको हंड्रेड से आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आंसर आता है तुम्हारा नहीं माइनस वन होगा ना माइनस वन भी तो होगा इसमें माइनस वन करोगे फिर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे तो वन तो चला गया फिर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है ये खिसक के चला चलाता है यहाँ पे तो लगभग जो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होती है वो कितनी होती है पॉइंट टू परसेंट तो आंसर तुम्हारा है बी ठीक है ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड से बनाया है कहीं कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है लेकिन ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें अप्रोक्सीमेशन लेना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा ठीक है ये तो मैंने तुम्हें तरीका बताया कि अगर परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ अगर तुम्हारी काफी ज्यादा होती है तो वहां पे तुम्हारा अप्रॉक्सीमेशन मेथड काम नहीं कर सकता वहां पे तुम्हें ऐसे ही आगे बढ़ना होगा तो ये हमारा कन्वेंशनल तरीका है हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ठीक है अच्छा इस क्वेश्चन में हम कैसे आगे बढ़ सकते थे देख लेते हैं आर टू बाय आर वन क्या लिख सकते हैं बच्चों हम आर टू बाय आर वन कैन बी रिटर्न एल टू बाई एल वन और इस जगह से हम क्या लिख सकते हैं एल्टू बायन एक सॉरी एल्टू L1 का स्क्वायर और यहां से लिख सकते हैं का स्क्वायर अब बच्चों ये जो मैंने लिखा है ना इसकी ये बायनोमियल एक्सपेंशन इसकी हो सकती है और बायोमियल एक्सपेंशन में एक बात होती है कि वन पॉइंट एक्स रेस्ट टू पावर अगर एन है तो दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू वन प्लस एन एक्स आगे तक भी जाती है सीरीज लेकिन चूंकि एक्स की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में जो अप्रोक्सीमेशन मैंने लिया यहां X है यहाँ पे एक्स क्या है वेरी वेरी लेस देन वन है तभी ये हो अप्रोक्सीमेशन हम ले सकते हैं तो यहाँ पे जो हाईअर पावर ऑफ एक्स होगी वो वन से और भी छोटी होगी तो उनको हम इग्नोर कर सकते हैं तो ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन वन इस केस में बिकॉज परसेंटेज इंक्रीज तुम्हारी ऑलरेडी पॉइंट वन परसेंट है पॉइंट वन अपॉन हंड्रेड है अगर है तो ये एक्स सोचो वन से कितनी छोटी हो गई कितनी हो गई पॉइंट जीरो जीरो

देखो ना यहीं से कर रही हूं मैं. Equals, पहले वन को इधर माइनस किए लेफ्ट में ले जाके फिर हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिए में क्या 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 लिखा है मैंने क्या यही in बच्चों इसकी वैल्यू पॉइंट टू आ रही है हु? तो ये तो अप्रोक्सिमेशन लिया है मैंने कब हो सकता है ये वन तभी आप ऐसा कर सकते हो ठीक है ना तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन अब बात आती है कब ले सकते हैं हम तो uh, uh, मतलब जब आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देखोगे ना तो आप देखोगे कि जब चेंज चेंज परसेंटेज इन लेंथ अगर ये तुम्हारा लेस देन सेवन होता है या कह सकते हो लेस देन इक्वल टू सेवन परसेंट होता है तो इस केस में तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है ना उसको आप डबल कर दो बस उसको आप डबल कर दो मतलब लेंथ जितनी लेंथ से कंप्रेस या स्ट्रेच करो उसकी वैल्यू से डबल कर दो जैसे यहाँ पे पॉइंट वन परसेंट से आप स्ट्रेच करो तो रेजिस्टेंस भी आपकी ट्वाइस यानी की ट्वाइस डबल कर दो पॉइंट टू परसेंट से इंक्रीज कर जाएगी तो इस बात का ख्याल रखो कि अगर सेवन परसेंट से तुम्हारी स्ट्रेचिंग कम हो रही है या सेवन परसेंट की इक्वल हो रही है तो वहां तक तुम अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हो उसके बाद आ, उसके बाद तुम एग्जैक्ट मेथड यूज करोगे ठीक है तो चलिए आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक्स के साथ तब तक पढ़ते रहो खुश रहो थैंक यू